तो हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देवी जट गुड़िया ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैं आई हूँ वर्धमान में। और देख सकते हैं अभी बज रहा है शाम का 5:30 और बहुत सारा लाइटिंग भी है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा। ऐसा देख सकते हैं मेरा भाई जो आ गया है आटा लेकर। तो चलिए मैं आप लोग को हम लोग का घर का बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी। कुछ इस तरह सा है हम लोग का घर का बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। ये जो चाच का दुकान देख रहे हैं, इसमें चौप फुलौरी मिलता है। और उसका जो बगल वाला है उसमें आपका टिकट बिक्री होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा भाई का बहन है। अरे यहाँ एक विस्का रखा हुआ है। और ये रहा हम लोग का घर। ये देख सकते हैं गाइस कितनी 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 ज़्यादा धूप है। बाप रे, बहुत ज़्यादा ही धूप है। पूरा गोर मेरा पूरा जल रहे हैं, पैर पूरा जल रहे हैं मेरे। कपड़े सब उठा लेती हूँ मैं, नहीं तो रंग जो है ना चढ़ जाते हैं। मम्मी ने धो के पसारे थे कपड़े। ये पेंट अभी थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है, लेकिन लेके नीचे चल जाती हूँ, सूख जाएगा नीचे ही। ये बैग सब भी उठा लेती हूँ, शायद सूख ही गए होंगे, नहीं सूखे तो भी उठा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा कपड़ा उठा लिया है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा कपड़ा अपना उठा लिया है। अब मैं चलती हूँ नीचे के साइड, क्योंकि मुझे नहाना भी है। और यहाँ पर मेरा नाइटी पसरा हुआ है, मैं इसको भी उठा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो गीला है मैं यहाँ पसार देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा कपड़ा रख दिया है। अब मैं अपनी जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मिलती हूँ। तो गैस पहले नीचे जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ मम्मी लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और मैं सब लोग को दिखाती हूँ मेरा भाई लोग क्या कर रहे हैं। बाथरूम में कपड़े में रख लेती हूँ। की करे माँ, की करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है खाना। उधर चावल चढ़े हुए हैं और इधर कितना सुंदर देखिए क्या क्या लगे। देखिए मेरे मम्मी से पूछते क्या है। हजमी मेटे, हजमी मेटे, देखिए कितनी स्वादिष्ट बन रही है मेरी मम्मी के हजमी मेटे। सेंट भी बहुत सुंदर आ रहे हैं। और इधर चावल चढ़े हुए हैं, उधर आलू भुजा चुके हैं। और इधर देख सकते हैं मेरा एक भाई है जो सोया हुआ है। होई की हलो, की हलो महादेव लीली। इसका सर बहुत दर्द दे रहा है इसीलिए सो रहा है। और इधर देख सकते हैं बंदर को जो दिन भर सिर्फ मोबाइल लेके बैठा रहता है। तो चलिए गाइस मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज का ब्लॉग। और हम लोग अपना बाहर का नज़ारा भी घर का दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का है, पूरा धूप किया हुआ गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा। बाप रे, ये गाय धूप में कैसे बैठा हुआ है, मुझे देख कर ही तो धूप को माथा दर्द शुरू हो रहा है। और ये हम लोग का रोड है, ये हम लोग का घर का द्वारी से ये रोड है, मेन रोड है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। और हम लोग का भाड़ा घर पे यहाँ पर थी करता है। तो देख सकते हैं बहुत सारा कच्चूबन है। और इधर देखिए मेरी मम्मी बना रही है खाना। ये है मेरी मोटी मम्मी, देखिए कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है मेरी मम्मी। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी। और मेरी मम्मी ने परस दिया है खाना यहाँ पर, हजमी मेटे। और ये मेरा भाई का भी परस दिया है खाना, हड्डी में है। और मेरे मम्मी देखिए कितनी सुंदर से सबको परस परस के दे रहे हैं खाना। किस किस को खाना है गाइस, आ जाइए। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हो चुका है रात, अभी बज रहा है शाम का
सारे साथ। और देख सकते हैं मुझे कितनी सारी मच्छर काटे, देखिए बहुत ज़्यादा मच्छर काट लिया। और वो है मेरा भाई जो खाने पे घूम रहा है। तो किसको किसको शादी करना है गाइस, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने भाई को शादी करवाऊंगी इसको, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है खाना बनाने में, तो इसीलिए मैं इसको शादी देने वाली हूँ। देख सकते हैं इसका उम्र हो रहा है 20 साल, ये देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए गाइस। इसीलिए मैंने इसका कपड़ा खुलाया है क्योंकि आप लोग पूरा बॉडी देख सके। इसका शादी देना है, बाद में मत बोलेगा काला है गोरा है, मैं बोल देती मेरा भाई काला है, क्योंकि फेस सब कुछ गोरा रहता है, बॉडी काला है। इसीलिए अब इधर देख सकते हैं मेरी मम्मी जो बना रही है खाना, रोटी बना रही है। तो रात का खाना आज बना है कि बन ला मम्मी? रोटी खाली। और सब्जी? सब्जी दिन वाला दिन का सब्जी है सजना डाठा का, और अभी बना सिर्फ रोटी। इधर आ रहो, आपको पूरा सामने से दिखा देती हूँ मेरा भाई। उसको बुलाए हो गया भाग। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग इसी तरह मेरे बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो टाटा, और मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट।